मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं ना, तो अभी जा रही हूँ सब काम करने, और जा रहे हैं मेरे हस्बैंड ऑफिस जॉब पे जा रहे हैं। बोलिए कुछ मेरे दोस्त लोग को। हाय दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सपोर्ट करने के लिए नहीं तो बोलिए, पूनम राजूवासी को सपोर्ट करो प्लीज प्लीज, बहुत मेहनत कर रही हैं, तो सपोर्ट करिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, जाइए आराम से, शाम को आइए जल्दी से। तो अभी मैं जा रही हूँ, कपड़ा रखी हूँ, बनाई नहीं हूँ, दाल चावल बना के रखी हूँ। और एक बाल्टी कपड़ा रखी हूँ, एक बाल्टी से ज़्यादा कपड़ा है, तो सोच रहे हैं धो लूँ। तो हस्बैंड चले जाते हैं काम पे, बच्चे लोग चले जाते हैं स्कूल, तो मैं सो जाती हूँ। तो आज सोच रहे हैं सोऊंगी नहीं, और जा रही हूँ कपड़ा धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो और मेरे बच्चे लोग सोए हैं, अभी तो दिखाऊंगी आप लोग। दोनों सोए हैं अभी, और मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने। देखिए दोस्तों, इतना बाहर रखी हूँ और एक बाल्टी भिगा के रखी हूँ, और इतना सारा बाहर है। तो अभी धोऊंगी। और दोस्तों, मेरी शॉर्ट वीडियो आप लोग देखिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए हैं तो सपोर्ट करिए दोस्तों, इतना मेहनत करने के बाद वीडियो नहीं आ रहे हैं, कोई लाइक नहीं कर रहा है, एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, तो क्या करें आप लोग बताइए, कैसी वीडियो बनाएं कि चले। और लोग तो कुछ भी बना के डाल देते हैं, उन लोग का चलता है, तो हम लोग का क्यों नहीं चलता है दोस्तों? आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे चलेगा? तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। तो प्लीज सपोर्ट करिए। राज बोलिए। तो चेहरे पे दाना आ गए हैं बहुत सारे, पहले तो बहुत सारे थे, एकदम पूरा मुँह देखने लायक नहीं था। तो हमारे यहाँ मुंबई में KM हॉस्पिटल है, बहुत दवा कराई थी, आराम नहीं हो रहा था, तो फिर गई KM हॉस्पिटल में, तो वहाँ इतनी अच्छी दवा दिए कि मतलब बहुत दाने ख़त्म हो गए थे मेरे, एकदम दाना देखने लायक नहीं था, इतना बड़े बड़े दाना, पूरा पीला पीला एकदम पक पक हो गया था मुँह। अब उसका फ़ोटो भी मेरे पास है, देखती हूँ तो अजीब लगता है मेरा कि मैं मुँह कौन है। तो एक ही बार गई दवा दिए तो थोड़ा बहुत आराम हुआ, फिर दूसरी बार गई तो भी दिए दवा बदल के, तो आराम हो गया मुझे, लेकिन अब देख रहे हैं फिर से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो सोच रहे हैं कि हम हॉस्पिटल जाने के लिए जाती हूँ, दूसरे के लिए चले जाती हूँ, लेकिन अपना रहता तो अपने लिए नहीं जाती हूँ। तो सोच रहे हैं किसी दिन जाऊँ, आज भी जाना था लेकिन गई नहीं, एक जन आने वाली थी बदलापुर से, उनके लिए जाना था तो हॉस्पिटल गए, मैं नहीं गई। सोच रहे हूँ अपने लिए एक दिन जाऊँ। KM हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, हमारे घर के लिए मतलब बहुत ऐसी केस थी कि जो उसमें जाने से बच गए हैं। तो इसलिए मुझे KM कुछ भी होता है मुझे, तो मैं कहीं और दवा लेने के लिए नहीं सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं KM ही जाऊँगी। एक बार इसी टाइम से जुलाई में 9-10 तारीख को मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा था दोस्तों, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गई 5-6 दिन के लिए, 26,000 रुपया लग गया। और क्या बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसे डर लगने लगा। तो मैं बोली कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी सर, मुझे एक महीने का टाइम दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि 50,000 वो खर्चा बता रहे थे ऑपरेशन में। तो मैं बोली कि सर मुझे एक महीने का टाइम दे दीजिए, तो मैं पैसा हो जाएगा तो ऑपरेशन करवा लूँगी। तो एक ही 9 तारीख को फोन आ रहा है कि इसका स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है,
पास तो दोस्तों फिर मैं एक महीने का टाइम लिया और एक ही 9 तारीख को बीमार थी, 9वीं तारीख को फिर से मेरी दर्द उभर गई। 9 जुलाई को बीमार थी, 9 अगस्त को फिर से दर्द होने लगा। फिर मेरे हस्बैंड बोले जाओ उसमें, मैं बोली मैं उसमें नहीं जाऊँगी, मुझे KM हॉस्पिटल जाना है। KM हॉस्पिटल गई, आई, दौड़ भाग की, मेरा सब चेकअप हो गया दोस्तों। चेकअप होने के बाद फिर मैं मतलब लास्ट रिपोर्ट थी तो फिर डॉक्टर को दिखाई तो बोले कुछ नहीं है। कौन बोला ऑपरेशन करने के लिए, कौन सा डॉक्टर है, क्या है, कुछ तो नहीं है, थोड़ा सा सूजन ऐसे ही हो जाएगा, इसमें ऑपरेशन करने की क्या ज़रूरत है। तो वही दवा बस 30 रुपये की दवा मुझे बाहर का लिखे थे और वही दवा खाई, मुझे अभी तक मुझे दर्द नहीं हुआ, मतलब वो चीज़ से मुझे दर्द नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे KM बहुत अच्छा लगता है। अगर प्राइवेट में उस टाइम जितना दर्द था मुझे, अगर उस टाइम मैं मेरे पास पैसा रहा होता 50,000 तो मैं तुरंत ऑपरेशन करवा ली होती। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे भगवान बचा लिए, मैं KM में गई। तो मैं इस अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, मतलब ऐसे तो थोड़ा बहुत नॉर्मली खाने पीने की वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है, पर ऐसा दर्द नहीं था होता है जैसा हुआ था। तो हम लोग को KM बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा भी कुछ होता है तो KM जाते हैं। तो जो लोग मुंबई में होंगे उन लोग को KM हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह पता होगा और बहुत अच्छा भी है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने, तो बाय बाय दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो हॉस्पिटल की बात आई तो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को, जो लोग मुंबई में होंगे बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं KM हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं कि मतलब गरीब आदमी ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं उसमें। पहले तो मेरे हस्बैंड जाते थे तो लेके जाते थे तो मैं वहीं छोड़ के चले जाते, जो आप करीब में जो आप था, तो मैं सोचती थी किधर जाऊँ, किधर से आई थी किधर जाऊँ, समझ में नहीं आता था। और तो मैं अब तो मैं इतना मुझे मालूम हो गया है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, और कोई किसी को भी जाना रहता है तो मुझे कॉल करते हैं, मुझे लेके जाते हैं कि माध हॉस्पिटल चलना है कि चलो, मतलब बहुत लोग को लेके जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए जाती हूँ, बहुत लोग को। तो किसी के साथ अच्छा करना चाहिए दोस्तों, किसी का हेल्प करना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता है तो करना चाहिए, उसके साथ जाना आना चाहिए। तो इसलिए मैं जाती हूँ, भगवान है उसका फल मुझे देंगे जिसके साथ मैं अच्छा करूँगी, जो मेरे साथ बुरा करेगा उसका फल उसको मिलेगा दोस्तों। तो सबके साथ अच्छा करना चाहिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। चलिए मिलते हैं बाद में, और बनाऊंगी खाने की वीडियो तो आप लोग को ज़रूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों जिसको भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो एक लाइक कर देना। बाय बाय।